इनके कांग्रेस के विधायक जगत सिंह का जो है यात्रा भत्ता का मैं आरटीआई लूं, मैंने आरटीआई लगाया। और जब मैंने आरटीआई लगाया तो विधानसभा से कुछ दिन बाद चिट्ठी आई कि भाई उसमें जो है उनका व्यक्तिगत आप जानकारी ले रहे हैं। हमने उनसे पूछा, विधायक से जगत सिंह से पूछा कि ऐसे ऐसे जानकारी ले रहे हैं, हम दें कि नहीं दें। तो यहाँ के कांग्रेस के विधायक जगत सिंह ने उसको देने से मना किया। और मुझे लगा क्यों मना किया, क्या है मामला। फिर मेरे अंदर एक जिज्ञासा जगी कि भाई इसको तो मुझे लेना ही है। और मैंने दोबारा आरटीआई लगाया और पूरे प्रदेश के एमएलए के जो है जानकारी लिया कि सबने यात्रा भत्ता कितना लिया है। तो जब मैंने वो देखा तो वो चौंकाने वाला था। और पूरे किन्नौर के अंदर पिछले 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर और विशेष रूप से 2 साल का जो उन्होंने यात्रा भत्ता लिया है, उस पीरियड में किन्नौर में 2 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वो 20 दिन गए होंगे, कहीं नहीं गए। पब्लिक फंक्शन हो चाहे किसी का दुख सुख में गए होंगे, वो सब मिला के मैं बता रहा हूं। लेकिन जब मैंने यात्रा भत्ता देखा तो 1 साल में जो है 6,24,000 कुछ रुपए हैं, दूसरे साल जो है 6,29,000 कुछ रुपए हैं, और कुल मिला के 2 सालों का जो है 12,54,145 रुपए का यात्रा भत्ता लिया है। और ये बड़े हैरानी करने वाला है। और ये चोरी वहां भी पकड़ी जाती है क्योंकि लगभग ये बराबर बनाया गया है, यानी घर बैठे बैठे इसको बनाया गया है और 5,000 का डिफरेंस दिया गया है। और मुझे लगता है कि हमारा ऑब्जेक्शन इसमें क्या है, हमारा कंसर्न क्या है। मेरा आरोप यह है कि पहली बात तो इसमें चोरी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने आरटीआई देने से मना किया। दूसरी बात यह है कि लगभग ये बराबर बराबर बनाया गया है। तीसरी बात यह है कि किन्नौर में उन्होंने कहीं भी टूरिंग नहीं किया है। तो ये कैसे बना, इसकी जानकारी इनके कांग्रेस के विधायक को जगत सिंह को पब्लिकली देना चाहिए। वो विधानसभा के अंदर सूरत निगी के बारे में पूछने का अधिकार है, हम तो खुली चुनौती के साथ बोल रहे हैं, आप पूरा दीजिए। और जब आप चौधरी बने हुए हैं कि यहां भी फॉरेस्ट गार्ड के ट्रांसफर हुए तो उसमें भी लगाया हुआ, विधानसभा में प्रश्न क्या लगाया कि इनका टीएडीए कितना दिया गया। यदि आप इतना चिंता कर रहे हैं सरकार के पैसे खर्च गलत तो नहीं हो रहे हैं, आप अपने घर का देखिए, आप हिसाब दीजिए कि लगभग 50,000 महीने का प्रवास आपने कहां किया है, किन्नौर की जनता को बताना पड़ेगा।